बेवकूफ बाघ। एक बार की बात है और बेवकूफ बाघ घूमते घूमते गांव से जंगल आता है। एक बार की बात है पर वो जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भूल जाता है। पर वो जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भूल जाता है। वो एक जगह पर सोचते रहता है, अरे ये क्या, वो एक जगह पर सोचते रहता है, इतना घना जंगल, अरे ये क्या, निकलना कहाँ मुश्किल है, अब मैं क्या करूँ, जंगल किससे मदद, बाहर निकलना ही मुश्किल है, अब मैं क्या करूँ, किससे मदद मांगू। कुत्ता ऐसा सोच ही रहा था कि तभी वहाँ बाघ आता है, जिस वजह से ऐसा सोच ही रहा था कि तभी वहाँ बाघ आता है तो उसकी साहस से वो बहुत डर जाता है। डर के मारे तो उसकी साहस सोचता है उसे कुछ दिखाई देती है, तभी उस हड्डियों को देख कर दिखाई देती है। उस बाघ हड्डियों को देख कर के लिए उस बाघ को बेवकूफ बनाने के लिए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो हड्डियों के पास जाता है, बाघ भी कुत्ते को देख रहा था, वो हड्डियों के पास जाता है, चलो आज लगता है गांव में कुत्ते का मांस खाने को मिलेगा, चलो आज लगता है गांव में कुत्ते का मांस खाने को मिलेगा, पकड़ लूंगा इसे, तो यूं करते ही अपने पंजों में पकड़ लूंगा। बाघ को अपनी तरफ आता देख कुत्ता बाघ की तरफ देखने लगता है, जाता है बाघ को और हड्डियां चूसने लगता है, और बाघ को सुनाने के लिए जोर जोर से हड्डियां चूसने लगता है, और बाघ को सुनाने के लिए जोर जोर का मांस है, बाघ को खाने में तो मजा ही लगता है, का मांस है, स्वाद तो मैंने कभी नहीं चखा, खाने में तो मजा ही लगता है, मन कर रहा है कि एक और बाघ मिल जाए तो मेरा तो अभी भी मन कर रहा है कि एक और बाघ जोर से डकार लेता है, पर ये सब तो ऐसा कहते हुए कुत्ता जोर से डकार लेता है बचने का, पर ये सब तो कुत्ते का नाटक रहता है, सुनकर सोच में पड़ जाता है। फिर बेवकूफ बाघ कुत्ते की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है, शिकार करने जा रहा था, पर ये कुत्ता तो मेरा ही शिकार का सोच रहा है, शिकार करने जा रहा था, कहूं शिकार करता है, कुत्ता तो मेरा ही शिकार का सोच रहा है, नहीं भरा ये बाघ का शिकार करता है, नंबर अगला तो लगता है, मन भी नहीं भरा, यहां से भागना ही होगा, ही नंबर अगला तो लगता है, ऐसा सोचकर अपनी जान बचा कर वहां से भाग लेता है। बाघ को भाग ऐसा सोच कर अपनी जान बचा कर वहां से भाग लेता है, पर कुत्ते को ये सारा नाटक कुत्ते की जान में जाना बैठा बंदर देख लेता है, कुत्ते को ये सारा नाटक करते पेड़ पर बैठा बंदर देख लेता है। चालाक निकले, अरे बाघ कुत्ते दादा नहीं हूँ, खूब चालाक निकले, कुत्ते के बारे में सब बताता हूँ, अब इस वजह से मेरी बाघ से दोस्ती हो जाएगी, और जिंदगी भर इस वजह से जानी बाघ से दोस्ती हो जाएगी, और जिंदगी भर मेरी जान को खतरा नहीं रहेगा। बाघ के पीछे भागने लगता है और उसे आवाज देने लगता है, ऐसा सोचते हुए बाघ के पीछे भागने लगता है, रुको तो जरा, आवाज देने लगता है, ऐसे कहां भागे जा रहे हो भाई, मेरी बात तो सुनो, रुको तो जरा, ऐसे ऐसे कहां भागे जा रहे हो, बाघ के पीछे मेरी बात तो सुनो। उधर कुत्ता ये सब ऐसी आवाज देते हुए दोबारा से दिमाग लगाने लगता है, उधर कुत्ता ये सब देख लेता है, दोबारा से दिमाग लगाने लगता है, तेरे की ये बंदर भी ना, अब ये सारी बात बाघ को बता देगा, मुझे सावधानी से काम करना होगा, अब ये सारी बात बाघ को बता देगा, मुझे सावधानी से काम करना होगा। बंदर बाघ को सब बता देता है, बंदर की आवाज सुनकर बाघ रुक जाता है, उसे बेवकूफ बनाया, बाघ को सब बता देता है, बाघ को बहुत गुस्सा है, कुत्ते ने उसे बेवकूफ बनाया, दहाड़ मारे, सुनते ही बाघ को बहुत गुस्सा है, क्या कह रहे हो तुम, दहाड़ मारे उस मामूली से कुत्ते की, ये मजाल के क्या कह रहे हो तुम, उस मामूली से कुत्ते की ये बजा के उसका सारा नाटक कैसे निकालता हूँ, देखो मेरा कमाल, मैं उसका सारा नाटक कैसे निकालता है, बंदर तुरंत बाघ की बाघ ऐसा कहता है, बंदर तुरंत बाघ की तरफ निकल लेते हैं, कुत्ता उन दोनों को अपने दिमाग में जल्दी से सोचता है, कुत्ता और दोनों को ये फिर से मेरी जान पर संकट आया है, सोचता है अब फिर से हिम्मत करके, ये फिर से मेरी जान पर संकट आया है, तरकीब निकाली होगी, फिर से हिम्मत करके, कुत्ता ऐसा सोचकर बड़ी हिम्मत करके बाघ की तरफ पीट करके बैठ जाता है, कुत्ता ऐसा सोचकर बड़ी हिम्मत करके बंदर की तरफ पीट करके बैठ जाता है, एक काम दिया था वो भी ठीक से नहीं होता, बंदर भी बड़ी ढींगे हांक रहा था, एक काम दिया था वो भी ठीक से नहीं होता, पर एक घंटा हो गया और अभी तक नहीं आया, बाघ को फंसा कर लाएगा, पर विश्वास ही नहीं रखना हो गया और अभी तक नहीं आया, कैसा बंदर है कि बाघ को फंसा नहीं सका, चाहिए था कुत्ते
की ये बात कैसा बंदर है कि बाप को फंसा नहीं सका। गुस्से से देखा कुत्ते की इस तरह चालाक कुत्ते ने बाप को बेवकूफ बनाकर अपनी चाल इस तरह चालाक कुत्ते ने बाप को बेवकूफ बनाया कि हमारे आसपास ऐसे कहीं बंदर होते। इस कहानी से हमें जो हमारे काम है कि हमारे आसपास ऐसे कहीं बंदर होते उन्हें पहचानना होगा, हमारे काम में टांग अड़ाते वर्कर की बजाय हमें पहचानना होगा और हार्ड वर्कर की बजाय